नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्य सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञान घन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिंच तत्पुत्रपराशरंच व्यासं शुकं गौड़पदं महांतं गोविंद योगींद्रं अथ शिष्यं श्री शंकराचार्यं अथासि पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं बालचित्रकारं अन्यान् अस्मद्गुरून् संततम् आनतोऽस्मि श्रुति स्मृति पुराणानां आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादुरायणं सूत्र भाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरु आत्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्ति नमः अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसंततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परं अतिकल्याणरूपत्वात् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मृतीणां वर्धत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः ओंकारश्चातुःशब्दस्य द्वयेतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ ओं तत्सत् परब्रह्मणे नमः श्री राम जय राम जय जय राम धर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महा असुर शरण कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान के ज्ञान से जीव सदा के लिए सर्व दुखों से छूटकर परम सुख शांति को प्राप्त होता है। इसलिए भगवान का ज्ञान परम आवश्यक है। वेदांत शास्त्र में छह चीजें अनादि बताई गई हैं। इनके द्वारा भगवान का ज्ञान होता है। छह चीजें अनादि हैं। जीव ईशो विशुद्धाचित। एक तो जीव, दूसरा ईश्वर, दूसरा विशुद्ध चैतन्य ब्रह्म तथा जीवेश और भेदा अविद्या तचितो योगा
खडस्माकम अनादय, और जीव ईश्वर का भेद और अविद्या का चेतन के साथ में संयोग, अविद्या तच्चितो योगा, अविद्या का चेतन के साथ में योग, ये छह चीजें अनादि हैं। अब देखो, एक मेवा द्वयम् ब्रह्मो नेह नानास्ति किंचनो, तत्तु से तो ब्रह्म एक अद्वितीय है, उसमें नानापना है नहीं, निर्गुण निराकार है। अब उसको बताने के लिए कैसे बताया जाए उसको, तो कहते हैं अध्यारोपापवादाभ्याम निष्पंचम प्रपंचते शिष्याणाम बोध सिद्ध्यर्थम तत्त्वज्ञेय कल्पित क्रम। ब्रह्म निष्प्रपंच है, उसमें किसी प्रकार का प्रपंच है नहीं, न देह है, न इंद्री है, न मन है, न बुद्धि है, न प्राण है, न कोई गुण है, न कोई आकार है। अब उसको समझाने का बताने का क्या साधन है, तो कहते हैं वेद में उसको समझाने के लिए श्रुतियों ने और तत्ववेत्ताओं ने कुछ अध्यारोप किया है, निष्प्रपंच में प्रपंच का आरोप किया है। आरोप झूठा हुआ करता है और फिर उसको अपवाद कर देते हैं, माने मिटा देते हैं, जहां कुछ ना हो वहां कुछ बना देना और फिर उसको मिटा देना। इसको वेदांत सिद्धांत में ब्रह्म का तटस्थ लक्षण कहते हैं, उपलक्षण कहते हैं। जैसे उपलक्षण का स्वरूप है जो जिसके एक देश में हो और कदाचित हो और व्यावर्तक हो, उसको उपलक्षण कहते हैं। जैसे कोई देवदत्त नामक ब्राह्मण ब्रह्मज्ञानी था, दूसरे ग्राम का कोई यज्ञदत्त नाम का ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञान के वास्ते देवदत्त के पास गया, उसके गांव में नगर में जाकर के और किसी भाई से पूछा कि भाई आप देवदत्त का घर जानते हो। वहां ही रास्ते में खड़े होकर के उसने दूर से अंगुलिया निर्देश किया, अंगुली से निर्देश किया, दूर से बताया कि वह देवदत्त का घर है। तो दूर से बताने में उंगली के सामने और भी बहुत से घर पड़ते हैं, पक्का निश्चय नहीं होता कि यही देवदत्त का घर है। तो कोई देवदत्त के घर का कोई लक्षण होना चाहिए, कोई चिन्ह होना चाहिए, और घरों से विशेष चिन्ह कुछ बना हो तो और घरों से अलगा के बता दिया जाए। अब बिना चिन्ह के तो कैसे बताया जाए। तो उसी समय एक काक उड़ता हुआ आया और देवदत्त के घर के ऊपर शिखर में बैठ गया। अब ये जो काक है देवदत्त के घर को बताने के लिए उपलक्षण बन गया, तटस्थ लक्षण बन गया। देव अब देखो स्वरूप घटाओ तटस्थ लक्षण का, देवदत्त के घर के एक देश में है, माने थोड़ी जगह पर बैठा हुआ है और कदाचित है, हमेशा नहीं रहेगा, उड़ जाएगा, और व्यावर्तक है और सबके घरों से व्यावर्तन करके माने अलगा करके
एक देवदत्त के घर को निश्चय पता बता दिया और सब घरों से अलगा दिया। तो सज्जनों, अब ये काक देवदत्त के घर के बताने के लिए उपलक्षण बन गया। अबुआ देवदत्त के घर को तो बता ही दिया उसने, काक ने। अब वो उसी जहां देवदत्त के घर जहां वो बैठा था काक, उसी घर में चला गया। वो देवदत्त का ही घर था निश्चित, एक चिन्ह बन गया, एक लिंग बन गया। वहां जा करके देवदत्त का नाम लेकर पुकारा, देवदत्त निकले, उनका दर्शन किया, प्रणाम किया, अपने हृदय की बात बताई कि मैं ब्रह्म ज्ञान सीखने आया हूं। ब्रह्मदत्त ने कहा ठीक है, रहो सीखो। तो सज्जनों, अब वो काक जो है बैठा रहे चाहे उड़ जाए, उससे कुछ प्रयोजन नहीं ना है। उस काक का, उपलक्षण का, तटस्थ लक्षण का तो इतना ही प्रयोजन था कि देवदत्त को के घर को बता दे, और कोई उससे मतलब है नहीं। अब उसने बता दिया देवदत्त के घर को, अब उसका कोई प्रयोजन न रहा। देवदत्त के भर बताने भर के लिए वो था। इसी प्रकार से ये जो विश्व प्रपंच हमको आपको दिखाई पड़ रहा है, जिससे उत्पन्न होता है, जिसमें रहता है और जिसमें लीन हो जाता है, तो ये विश्व प्रपंच, ये संसार, ये काक के समान है। और कहां पर बैठा है? कहा ब्रह्म के एक देश में बैठा है, एकांशेन स्थितो जगत, पादों से विश्व भूतानि त्रिपादस्य अमृतम देवी। श्रुति स्मृति यही कहती है कि ब्रह्म के एक देश में ये जगत है, माने ब्रह्म के ऊपर थोड़ी जगह में बैठा है, एक तिल भर जगह में सारा संसार बैठा है। और कदाचित है, ये संसार हमेशा नहीं रहता है। अभी दिखाई पड़ रहा है जागृत का संसार, जब निद्रा में, मूर्छा में, समाधि में ये नहीं रहता, उड़ जाता है और व्यावर्तक है। ये संसार कहाँ बैठा है? कहा ब्रह्म के ही एक देश में बैठा है, और जगह नहीं है, क्योंकि आधार अधिष्ठान ब्रह्म ही है जगत का। और ये अध्यास रूप है, मिथ्या है, कल्पित है। परंतु कल्पित हो, मिथ्या हो, झूठा हो, तो ब्रह्म को तो बताने के लिए ये एक लक्षण बन ही गया। तो इस प्रपंच का आरोप करना और पुनः मिटा देना, आरोप को अध्यारोप कहते हैं, और मिटा देने को, लय कर देने को अपवाद करते हैं। जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय कहाँ? कहा ब्रह्म में, ब्रह्म के एक देश में, और कदाचित है, हमेशा नहीं रहता संसार। और व्यावर्तक है, माने और कहीं कहाँ रहेगा संसार अधिष्ठान बिना? अध्यास कहाँ रहेगा? स्वप्न दृष्टा बिना स्वप्न संसार कहाँ रहेगा? रज्जु बिना सर्प कहाँ रह सकता है? पुरुष बिना छाया कहाँ रहेगी? छाया का आश्रय अधिष्ठान तो एक पुरुष ही है। इसी प्रकार से ब्रह्म ही एक इसका आधार अधिष्ठान है। ब्रह्म ही में ये बनता है, पुनः मिट जाता है। तो ब्रह्म से बताने का प्रयोजन है श्रुतियों का। तो ये अध्यारोप अपवाद करते हैं, तो कहते हैं छह चीजें हैं। अब देखो देखो, अध्यारोप और अपवाद सुनो। कहते हैं एक तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म,
वो अनादि है। दूसरा कहा ज्ञान माया प्रकृति, माया के ही अविद्या ज्ञान प्रकृति आदि नाम हैं, ये भी अनादि है। अज्ञान भी अनादि है, ज्ञान भी अनादि है। ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है वो भी अनादि, ये माया ज्ञान रूप है ये भी अनादि है। और बोले अज्ञान का इस ज्ञान स्वरूप ब्रह्म से संबंध भी अनादि है, संयोग तच्चितो योग। और ईश्वर और जीव भी अनादि है, और ईश्वर जीव का भेद भी अनादि है। ये छह चीजें हो गई। अब इन छह चीजों में जो पांच हैं वो अनादि तो हैं परंतु शांत हैं, इनका अंत हो जाता है। अब ब्रह्म हाँ वो अनादि अनंत है, और माया अनादि शांत है। तो ब्रह्म ज्ञान से पहले तो ये अध्यारोप कर दिया गया, भला उस माया के जो अनादि माया है उसके दो भेद होते हैं, विद्या और अविद्या। सत्वगुण की प्रधानता से विद्या, मलिन सत्वगुण की प्रधानता से अविद्या, ये दो नाम होते हैं। विद्याचा विद्याचा स्वयमेव भवत, वो दो रूप माया धारण कर लेती है। और उन विद्या अविद्या में जो उसी शुद्ध चेतन ज्ञान स्वरूप ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ता है तो वो भी ज्ञान रूप होता ही है, प्रतिबिंब भी ज्ञान रूप है, परंतु वो उपाधियों में प्रकट ज्ञान है। और जो ब्रह्म है वो शुद्ध ज्ञान है, वो अप्रकट ज्ञान है, वो व्यापक ज्ञान है। यदि तुम पूछो तो ज्ञान और अज्ञान साथ साथ कैसे रह सके, ज्ञान भी अनादि ब्रह्म ज्ञान रूप है और अज्ञान भी अनादि, तो ज्ञान अज्ञान का विरोध होता है, जैसे सूर्य का और रात्रि के अंधकार का विरोध है, दोनों साथ साथ नहीं रह सकते हैं। ये ज्ञान अज्ञान साथ साथ कैसे रह सके अनादिकाल से, तो उसका समाधान ये है कि सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान। तो ब्रह्म सामान्य ज्ञान है, इसलिए सामान्य ज्ञान अज्ञान का विरोधी नहीं है, उल्टे साधक है, बाधक नहीं है। स्वाश्रय स्वविषय है, सामान्य स्वयं अज्ञान का आश्रय कौन है, कहा वही सामान्य ज्ञान ब्रह्म के आश्रित ही है, क्योंकि वो अधिष्ठान है। ये अध्यास रूप है माने कल्पित है, भ्रम रूप है। वो अधिष्ठान के आश्रित है पर वो बाधक नहीं होता है। दृष्टांत से समझ सकते हो, जैसे अग्नि, एक व्यापक अग्नि है, सामान्य अग्नि है, एक अद्वितीय है और दूसरी प्रकट अग्नि है। तो सामान्य अग्नि अंधकार की बाधक नहीं होती है, सामान्य अग्नि भी बनी रहती है और अंधेरा भी बना रहता है। जैसे घर में अंधेरा है और प्रकाश करने के लिए दीपक जलाना पड़ेगा अंधेरा को यदि हटाना हो तो, पर सामान्य अग्नि भी पहले ही से घर में विराजमान है, क्योंकि अग्नि भी व्यापक है, सामान्य अग्नि व्यापक है। दीपक पात्र में भी अग्नि व्यापक है, दीपक में तेल भरा गया उसमें भी अग्नि व्यापक है, बत्ती डाली गई उसमें भी अग्नि है, माचिस लाई गई माचिस में भी अग्नि भरी है।
माने सामान्य अग्नि है लेकिन घर का अंधेरा नहीं जा रहा है। सामान्य अग्नि ने अंधेरा नहीं हटाया, अंधेरा भी बना है, सामान्य अग्नि भी बनी है, कोई विरोध नहीं। अब जब माचिस खिंचाकर के और दीपक की बत्ती में लगाया, स्पर्श कराया, वो ज्योति जगी, माने प्रकाश हुआ। ये विशेष अग्नि भाई, प्रगट अग्नि को विशेष अग्नि कहते हैं। ये प्रगट अग्नि घर के अंधकार का बाधक बना, घर के अंधकार को इसने भस्म कर दिया, क्योंकि घर का अंधकार कहीं गया नहीं भाग करके, किंतु प्रकाश रूप हो गया। तो विशेष अग्नि बाधक बनी अंधकार की, वही अग्नि सूर्य में प्रकट होती है। तो सारे संसार के ब्रह्मांड के अंधकार को हटा देती है वो सामान्य अग्नि, तो सारे संसार में व्यापक है पहले से, वो अंधेरा भी बना। अंधेरे में तो कोई चीज का ज्ञान नहीं होता है, अपना हाथ भी नहीं सूझता है, न रास्ता दिखता है, न कांटे कंकड़ सांप बिच्छू कुछ देखते दिखाई पड़ते हैं। कोई काम होते नहीं, सब काम सबका बंद होता है अंधकार में। सूर्य उदय होता है तो अंधेरा खत्म हो जाता है। अब पूछूं ये अंधेरा कहां गया खत्म हो करके? अरे तो सूर्य के प्रकाश में भस्मीभूत हुआ, फिर सूर्य रूप हुआ, और तो कहीं गया नहीं। सारे संसार का अंधेरा कहां जाएगा? सारे संसार में सूर्य प्रकाशित हो रहा है, उसको भाग के जाके कहीं छिपने की तो जगह नहीं है, जो छिप जाए। सूर्य रूप होता है। तो विचार यही था कि ज्ञान और अज्ञान साथ में कैसे रह सके, तो सामान्य ज्ञान और अंध अज्ञान ये एक साथ रह सकते हैं। तो सामान्य ज्ञान रूप ब्रह्म अनादि अनंत है, अब ये जो अज्ञान है वो अनादि शांत है। अनादि ये वास्तव में जीव की तरफ से कहा जाता है और जीव को ही समझाना है, ये अध्यारोप किया जा रहा है। अध्यारोप कोई सत्य नहीं हुआ करता है, मिथ्या ही आरोप होता है, उसको तो मिटा देना है। अभी सत्य वस्तु मिट नहीं सकती, तो सत्य को समझाने के लिए झूठा अध्यारोप किया गया। इस प्रकार से ये अज्ञान बना रहा। भला अब उसका नाश कैसे होता है? उसका नाश, अज्ञान का नाश होता है वेद प्रमाण से, भगवान के वचन प्रमाण से, और दूसरा कोई साधन नहीं है ये अनादि अज्ञान के नाश का। भगवान का ज्ञान ही एकमात्र साधन है। तो भगवान का ज्ञान वेद से होता है, सर्वज्ञ ईश्वर की वाणी वेद है, क्योंकि अध्यारोप में ईश्वर और जीव भी है। ईश्वर सर्वज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है। ईश्वर सर्वज्ञ होने से नित्य मुक्त है, जीव अल्पज्ञ होने से बंध है। तो बंध जीव मुक्ति चाहता है, ईश्वर की शरण में जाता है। विवेक वैराखड़ संपत्ति मुमुक्षुता, ये चतुष्टय साधन संपन्न होकर के ईश्वर की शरण में जाता है, गुरु की शरण में जाता है, संत महात्माओं की शरण में जाता है। तब संत वेद वाणी सुनाते हैं, गुरु वेद वाणी सुनाते हैं।
क्योंकि वो वेद वाणी से जो ज्ञान होगा वो बुद्धि वृत्ति बनेगी, उससे अज्ञान का नाश होगा। और जीव की तरफ से ये अज्ञान अनादि है, क्योंकि ईश्वर तो सर्वज्ञ है, उसको तो अज्ञान तो है नहीं। और जीव को अज्ञान है ब्रह्म का। देखो कैसे समझा जाए कि जीव का ये अज्ञान अनादि है। किसी भी जीव से पूछो, क्यों भाई तुम ब्रह्म को जानते हो? वो कहता है मैं नहीं जानता ब्रह्म को। ब्रह्म को जानता, वृत्ति ज्ञान होता महावाक्यों से तो अज्ञान रहता ही नहीं, वो विशेष ज्ञान प्रकट होता है महावाक्यों से। तो मैं नहीं जानता हूं, इसी को अज्ञान कहते हैं। पूछो कब का है तुमको अज्ञान, ये कब से तुम ब्रह्म को नहीं जानते हो, तो जीव क्या कहेगा? कभी से मैं नहीं जानता, यदि जानता तो उसी समय मुक्त हुआ होता, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान से तुरंत मुक्ति होती। तो ब्रह्म संबंधी अज्ञान जीव को अनादि है, और ये जीव से ही सिद्ध है। जीव ही अपने अज्ञान को अनादि सिद्ध कर रहा है कि मैं कभी से भी नहीं जानता। जो इंद्रियों का विषय नहीं है ना, उसके संबंध में जीव को अनादिता है, उसको नहीं जानता है जीव। और इंद्रियों का विषय हो तो तुरंत जान लेगा, अथवा अनेक देश काल वस्तुएं हैं, उन देश में उन वस्तुओं को नहीं जानता है, उस देश में जीव नहीं गया है, जो व्यक्ति नहीं गया है। जैसे कोई ऋषिकेश में कभी ना आया हो, ऋषिकेश के संबंध में न जानता हो, और उस व्यक्ति से पूछो भाई तुम ऋषिकेश को जानते हो? कहता है मैं नहीं जानता हूं, मैंने कभी देखा ही नहीं है। मुझे कब से नहीं देखे हो, कब से तुम ऋषिकेश नहीं जानते हो? वो कहता मैं कभी गया ही नहीं। तो अनादि सिद्ध किया जीव ने। इस देश संबंधी ऋषिकेश देश संबंधी जो अज्ञानता है वो जीव की तरफ से अनादि सिद्ध हुई। इसी प्रकार से अन्य अनेक देश हैं, जिन देशों में जीव नहीं गया है उन देशों को नहीं जानता, उन देशों के अनेक वस्तुओं को नहीं जानता है, उन देशों के व्यक्तियों को नहीं जानता है। पूछो कब से नहीं जानते? बोले मैं कभी गया ही नहीं। तो अनादि सिद्ध किया। उस जनों जब तक के प्रत्यक्ष वो पहुंच न जाए, परंतु ये अनादि तो है पर शांत है। ये ब्रह्म संबंधी ज्ञान भी अनादि तो है पर शांत है। क्यों? ज्ञान से अज्ञान नहीं रहेगा। व्यवहार में जैसे ऋषिकेश जो व्यक्ति आ गया, और ऋषिकेश का उसको ज्ञान हो गया, देख लिया गंगा बह रही है, पर्वतराज हिमालय खड़ा हुआ है, गंगा के किनारे किनारे संत महात्माओं का निवास है, कोई झोपड़ी में कोई गुफा में कोई कुटियों में रहते हैं, एक से एक ज्ञानी विज्ञानी महात्मा है तपस्या कर रहे हैं। अब यहाँ आकर के उसने जान लिया, यहाँ कहा अब इससे पूछो ऋषिकेश को जानते हो कि नहीं जानते? बोले बिल्कुल जानता हूँ। तो ऋषिकेश संबंधी देश संबंधी जो अज्ञानता थी उसका अंत हो गया ना, खत्म हो गया ना। ऐसे ही विदेशों में जो नहीं गया है वो विदेशों के अज्ञान को अनाज सिद्ध कर रहा है, और जो घूम आए विदेश तो उसका जाना हुआ हो गया, देश संबंधी अज्ञान खत्म हो गया। ऐसी वस्तुओं संबंधी अनेक वस्तुएं हैं विदेशों में, उनको नहीं जानता, वहां जाके देख लिया तो उन वस्तुओं के संबंध में जो अज्ञान था वो भी चला गया। तो ज्ञान से अज्ञान का अंत होता है। जब तक ज्ञान ना हो तब तक अनाज सिद्ध होता है,
तो ये जीव की तरफ से है, सर्वज्ञ ईश्वर की तरफ से नहीं है। मतलब अल्पज्ञता जीव को ही है, ईश्वर तो स्वभाव से सर्वज्ञ, उसको कुछ अज्ञात ही नहीं। अस्तु, तो वो माया विद्या अविद्या रूप धारण करती है। विद्या विद्या में वो व्यापक ब्रह्म प्रकट होता है। अब ये विशेष ज्ञान हुआ सज्जनों, विद्या में प्रकट हुआ जो ज्ञान है उसका नाम ईश्वर है, वो सर्वज्ञ होता है। अविद्या में जो व्यापक ब्रह्म व्यापक ज्ञान प्रकट हुआ है उसका नाम जीव होता है। ईश्वर स्वभाव से सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। जीव स्वभाव से अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान है और बंध का अनुभव करता है। जब ईश्वर की शरण में जाता है, गुरुओं की शरण में जाता है, संत महात्माओं की शरण में जाता है, तब गुरु लोग इसको महावाक्य सुनाते हैं, वेद सुनाते हैं। पहले अवांतर वाक्य सुनाते हैं। अवांतर वाक्य जो स्वरूप बोधक वाक्य होते हैं उनको अवांतर वाक्य कहते हैं, और जो आत्मा और ब्रह्म का एकत्व बताते हैं उनको महावाक्य कहते हैं। इन्हीं से ज्ञान होता है ब्रह्म का। तो अवांतर वाक्य कहा स्वरूप बोधक होते हैं। जैसे ब्रह्म के संबंध में अवांतर वाक्य वेद में कौन से हैं, कहा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मो। ब्रह्म अनंत सत्य है, अनंत ज्ञान है, अनंत आनंद है। ये ब्रह्म के स्वरूप को बताता है, ये स्वरूप बोधक वाक्य है, इसका अवांतर वाक्य है। और आत्मा के संबंध में, हमारे तुम्हारे स्वरूप के संबंध में अवांतर वाक्य कौन से हैं, कहा या एष हृदि अंतर ज्योति पुरुषा। जो हमारे तुम्हारे हृदय के अंतर भीतर एक अखंड ज्ञान ज्योति जगमगा रही है, इंद्रियाणि पराण्या हो, सबसे भीतर है। अंतरता को देखो, भीतर चलो, भगवान बताते हैं भीतर प्रवेश। इंद्रियाणि सबसे बाहर तो ये संसार है, जो इंद्रियों का विषय है ये संसार इंद्रियों से बाहर है, इस शरीर से बाहर, इंद्रियों से बाहर है, और इंद्रियां शरीर के भीतर हैं, अंतर चल रहे हैं, भीतर चल रहे हैं। इंद्रियाणि पराणि आहु, और इंद्रियेभ्यः परम मनः, और मन से भी भीतर अंतर, वो इंद्रियों से भीतर मन है, और मनसस्तु परा बुद्धि, और मन से भी परे माने अंतर भीतर बुद्धि है। अयो बुद्धि परतस्तु सह, जो बुद्धि से भी अंतरतम है वह हमारा तुम्हारा स्वरूप है, जीवों का वो स्वरूप है। यह अवांतर वाक्य है। तब इनसे सब बुद्धि से भी परे हो गए, बुद्धि के दृष्टा साक्षी, मन के दृष्टा साक्षी, इंद्रियों के दृष्टा साक्षी, और इंद्रियों के द्वारा बाह्य संसार के भी दृष्टा साक्षी, क्योंकि ज्ञान रूप है, ज्ञान ज्योति अखंड जगमगा रहे, उदय अस्त रहित है। देह इंद्री मन बुद्धि का उदय अस्त होता है, सुसुप्ति में ये अस्त हो जाते हैं सब, स्वप्न में सूक्ष्म रूप से उदय होते हैं, जागृत में स्थूल रूप से रहते हैं, और सुसुप्ति में पुनः अस्त होते हैं। तो बुद्धि से लेकर के मन इंद्री और ये संसार रूपी विषय तो उदय अस्तवान है, परंतु हमारी ज्ञान ज्योति का उदय अस्त नहीं होता है। ये अखंड ज्योति, हम बुद्धि को देखते हैं, इंद्रियों को देखते हैं, मन को देखते हैं, संसार को देखते हैं, और जब ये अस्त हो जाते हैं, नहीं रहते हैं, तो निद्रा ज्ञान को देखते हैं, उसी निद्रा में सब अस्त भय है, अज्ञान में अस्त हो गए हैं। तो जहां अस्त भय है उस निद्रा को अज्ञान को भी हम देखते हैं,
हमारा ज्ञान अस्त नहीं हुआ और जागृत स्वप्न के संसार के साथ उदय भी नहीं हुआ। अखंड ज्ञान ज्योति जगमगा रही है, ये हमारा आपका स्वरूप बताया है वेदों ने अवांतर वाक्य से। तो अब ये जो हमारा अखंड ज्ञान है, इस ज्ञान की और वो शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म की एकता है, वो एक वस्तु है। उसके संबंध में वह महावाक्य है, वेद का महावाक्य कहता है तत्त्वमसि, अरे जीव तू अखंड ज्ञान ज्योति, वही ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म भी अखंड अनंत ज्ञान है और वही ब्रह्म हो ज्ञान स्वरूप तेरी बुद्धि का साक्षी है, सबकी बुद्धियों का साक्षी है। उसका उदय अस्त नहीं होता, वो दो नहीं है, सबके भीतर भी और बाहर भी एक अखंड ज्ञान है। इसलिए ज्ञान ज्ञान का एकत्व जीव का जो वास्तविक स्वरूप है वो देह इंद्रिय मन बुद्धि का प्रकाशक ज्ञान ही है, वही हम हैं। क्योंकि हम सब कहते हैं कि हम देह को जानते हैं, इंद्रियों को जानते हैं, अपने मन की चंचलता को और शांत मन को भी जानते हैं, बुद्धि को भी जानते हैं, पर ये कोई हमको नहीं जानते हैं। तो ये अज्ञान का कार्य है, देह इंद्रिय मन बुद्धि ये सब अज्ञान के कार्य हैं, इनको ज्ञान नहीं। आखिर मैं ही जानता हूं, और हमारा तुम्हारा ये अखंड ज्ञान कभी उदयस्त नहीं होता है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति आदि प्रपंचम यत प्रकाशते तद ब्रह्म अहम इति ज्ञात्वा, इति ज्ञात्वा सर्वबंध ही प्रमुच्यते। जो जागृत स्वप्न सुसुप्ति को अखंड ज्ञान प्रकाशित कर रहा है, देख रहा है, जान रहा है, वही ब्रह्म है। वही वह ब्रह्म ही मैं हूं, क्योंकि मैं भी जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों को देख रहा हूं। इनका उदय अस्त होता है, आती जाती रहती है रोज, संसार की उत्पत्ति स्थिति प्रलय रोज हो रही है, पर मेरी न उत्पत्ति है न नाश है। तो कहा इन इतनी ही माया है, इतना ही अज्ञान है। इस प्रकार से भगवान के वचन प्रमाण से जीव को ये पता लगा कि वह ब्रह्म, पहले तो मैं देह इंद्रिय मन बुद्धि नहीं हो सकता, अवांतर वाक्य से जान लिया गया, क्योंकि मेरा स्वरूप जो जीव का है वो देह इंद्रिय मन बुद्धि से परे बताया गया, इनसे कभी मिलता नहीं है। तो देह इंद्रिय मन बुद्धि में हो नहीं सकता, अलगाव कर लिया गया, ये चेतन अचेतन, मैं चेतन और ये सब जड़, अज्ञान अज्ञान का कार्य जड़, जड़ माने अज्ञान। अब मैं ज्ञान स्वरूप और अखंड ज्ञान हूं। इस प्रकार से सर्व का दृष्टा साक्षी, पहले अज्ञान दशा में मैं अपने आप को देह इंद्रिय मन बुद्धि जानता था और यही मानता था, मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हूं, मान ये शरीर ही मैं हूं। जो रोज उदय अस्त होते हैं, निद्रा से निकलते हैं, निद्रा में लीन होते हैं, अब मैं इनको देखने वाला सदा रहता हूं। परंतु अज्ञान की माया की ऐसी महिमा जो इन्हीं देह में हमता ममता करा दिया, मैं अपने ज्ञान स्वरूप को भूल करके देह इंद्रिय मन बुद्धि अज्ञान रूप बन बैठा था। यही जीव को बंधन था, और तो कोई बंधन नहीं है, जन्म मरण का बंधन। तो जिसका जन्म मरण होता है उसी की अहमता ममता से होता है, तो देह का जन्म मरण होता है। तो जब देह में अहम भाव हो जाएगा कि मैं देह हूं, तो जन्म मरण का भय यही बंध है। और जब महावाक्य प्रमाण से जाना कि नहीं, देह इंद्रिय मन बुद्धि मैं नहीं, इनका साक्षी हूं, प्रकाशक हूं,
मेरा उदयस्थ जन्म मरण नहीं होता, न जायते मृत कदाचित, न आत्मा का जन्म है और न ही मरण है, और ये आत्मा ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्म और सो अयम आत्मा। आत्मा को ही ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म को ही आत्मा कहते हैं। अब वो जो अनादि अज्ञान था ब्रह्म को, जीव बता पूछा गया था कि भाई तू जानता है, कहता नहीं जानता, कब से नहीं जानता, तो अनादि बता रहा था कभी से भी नहीं जानता। अब इससे पूछा जाए, कह भाई तू ब्रह्म को जानता है, कहा वह ब्रह्म ज्ञान स्वरूप तो मैं ही हूं। भगवान के वचन प्रमाण से संशय रहित ज्ञान होता है, क्योंकि सर्वज्ञ ईश्वर का वचन प्रबल प्रमाण है। इस प्रमाण का बाधक दूसरा कोई प्रमाण हो नहीं सकता, क्योंकि सभी जीव अल्पज्ञ हैं, तो जीवों के वचन प्रमाण हो नहीं सकते, जीवों के वचनों का बाध हो जाएगा। ईश्वर से बढ़कर के कोई प्रबल बलवान प्रमाण है नहीं, सबसे ऊपर प्रबल बलवान प्रमाण ईश्वर का वचन वेद है। इसका तो ईश्वर जब कह रहे हैं कि तू ब्रह्म है, और हमने भी विचार कर देखा कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति के हम प्रकाशक हैं, हमारा उदयस्त नहीं होता है, इस ज्ञान प्रकाश को ही ब्रह्म कहते हैं, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। तो अपने विचार से भी यही सिद्ध हुआ, तो भगवान के वचन प्रमाण, पहले तो भगवान के वचन प्रमाण से ही संसरित ज्ञान हो गया कि मैं ब्रह्म हूं, सबको देखने वाला हूं, मैं तो कभी अज्ञान रूप हो ही नहीं सकता। मैं हमेशा दृष्टा ही हूं, सब लोग अपने को यही कहते हैं, हम पश्यामि, मैं देखता हूं, चाहे पढ़ा लिखा विद्वान हो और चाहे बिना पढ़ा लिखा मूर्ख गंवार हो, अज्ञानी हो, ये तो सबको ज्ञान है ना कि मैं देखता हूं और मैं हूं, अपने रहने में, सदा रहने में और अपने ज्ञान में किसी को संदेह नहीं है। अहम अस्मि नवा अस्मि, मैं दिन में हूं कि नहीं हूं ऐसा संशय तो किसी को नहीं है, किंतु यही निश्चय है सबका कि मैं दिन में हूं, चाहे रात में मैं हूं कि नहीं हूं, भूले संशय रहित में रात में हूं, किसी को ऐसा ज्ञान नहीं है कि मैं नहीं हूं रात में। अच्छा दिन को तू जानता है, बोले बिल्कुल जानता हूं, रात को, कहा मैं जानता हूं। तो जानना ज्ञान है, तो हमारा ज्ञान भी अखंड है और हमारी अस्तिता, अस्तित्व माने दिन में रात में बराबर हम हैं, इसके संबंध में किसी को ज्ञान अज्ञानता है ही नहीं। किसको कहा जाए तू अज्ञानी, सब दिन को जानते हैं, रात को जानते हैं, जागृत को हम जानते हैं, जागृत में हैं, जागृत को जानते हैं, स्वप्न में हैं, स्वप्न को देखते हैं, सुसुप्ति में हैं, जागृत स्वप्न के अभाव को देखते हैं, सुसुप्ति के भाव को देखते हैं, माने अज्ञान के प्रकाशक हैं। तो अपने ज्ञान का तो कभी अभाव देखने में आता नहीं, ना अपने अस्तित्व का। तो अस्तित्व को सत कहते हैं, ज्ञान को चित कहते हैं, और सुसुप्ति में कोई विषय नहीं होता है तो आत्मानंद ही होता है। आनंद मयो ही आनंद चेतु का प्राग्ञ स्थिति या पादा, इस प्रकार से सुसुप्ति में हम आप अकेले रहते हैं, अपने आत्मानंद का अनुभव करते हैं, दूसरा तो कोई है नहीं। इसलिए सदरूप चिद्रूप आनंद रूप हम स्वयं ही हैं, अपना स्वरूप स्वयं ब्रह्म ही है, ऐसा निश्चय हुआ। तो सज्जनों देखो, ये ब्रह्म ज्ञान से पहले तो क्या हुआ, वो अनादि अज्ञान खत्म हुआ, अनादि कल्पित था न, अनादि शांत था ना, तो ब्रह्म ज्ञान से उस अज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान होते ही अज्ञान का अंत माने समाप्ति भई, और अज्ञान के ही माया के ही दो रूप थे विद्या अविद्या, उनका नाश हुआ। और अज्ञान का और ज्ञान का संबंध हो नहीं सकता, इसलिए माया ब्रह्म का संबंध उसका अंत हुआ।
फिर जीव ईश्वर का जब माया अविद्या नहीं रही तो उनमें प्रतिबिंब रूप जीव ईश्वर थे, वो भी न रहे तो उनका सर्वज्ञ अल्पज्ञ का भेद कहां से रहा? तो जीव ईश्वर का भेद खत्म हो गया, इसको अपवाद कहते हैं, ये मिट गया। तो कौन रह गया? हयो श्रेत सोष में हम, जो अंत में शेष बचा वो मैं ही बचा। सज्जनो, निर्गुण निराकार ब्रह्म को समझाने के लिए इसको अध्यारोप अपवाद की प्रक्रिया कहते हैं। श्रुति कहती यतो आयमानी भूतानि जायन्ति येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अविशम्विशन्ति तत् ब्रह्म। ये तटस्थ लक्षण माने जगत की उत्पत्ति उसमें वर्णन करना, थोड़ी देर स्थिति और फिर उसी में लय। फिर कौन बचा शेष? वो ब्रह्म ही शेष बचे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। वह ब्रह्म पूर्ण है। आज यह जगत का पूर्ण से जो उत्पन्न हुआ वो ब्रह्म ही पूर्ण ही है, दूसरी चीज तो है नहीं। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण से ही ये पूर्ण उत्पन्न हुआ है। अब पूर्ण से पूर्णमादाय, पूर्ण का यदि पूर्णत्व ले लो तो पूर्णमेव अवशिष्यते, पूर्ण ही शेष रहा। इसलिए जितने भी कल्पना थी इसका सबका निराश कर दिया गया। ध्यास था, ये भ्रम था। भ्रम की निवृत्ति हुई तो अपना स्वरूप ज्यों का त्यों भासता है। जिसे प्रकाश करके जो रज्जु को देख लिया जाता है तो रज्जु में जो सत का भ्रम था वो तुरंत निवृत्त हो जाता है। इस प्रकार से सज्जनों, ये जागृत स्वप्न सुसुप्ति, ये अज्ञान है, ये माया है, ये भ्रम है, ये अध्यास है, ये मिथ्या है, ऐसा समझना चाहिए। हमारा तुम्हारा स्वरूप ही सच्चिदानंद ब्रह्म ध्रुव सत्य है। ये सत असत का विवेक है। ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म सत्य है, वो हमारा तुम्हारा स्वरूप है। क्यों हम आप कभी अपना अभाव अनुभव ही नहीं करते, अन्ना अपने ज्ञान का अभाव अनुभव करते तो अनुभव सिद्ध है। इसलिए ब्रह्म सत्यम और जगत मिथ्या, ये रोज ही बनता बिगड़ता है। कभी रोज दिन आता है, रात आती है, रात जागृत स्वप्न सुसुप्ति होते हैं। संतो आवे जाए सो माया, ये मिथ्या प्रतीति है। इसलिए जगत को मिथ्या कहते हैं। हमारा तुम्हारा दृष्टा स्वरूप ही सत्य, क्योंकि सत्य तो सदा रहता है और मिथ्या वस्तु कभी रहती है कभी नहीं रहती। वही माया मृग के समान है, जैसे माया का सोने वो मारीच जो था सोने का मृग बन गया था, माया से झूठा जादू से, ऐसे ही ये सब माया मृग है। संसार माने माया से बना है ना, जागृत स्वप्न का संसार और सुसुप्ति माया है, वो निशाचर है, वो असुर है। अज्ञान तो निशाचर है ही है, दुख ही देता है अज्ञान, वो असुर है, शैतान है, निशाचर है। और उसका उससे ये संसार बना, ये संसार माया मृग हो गया। अब ये बुद्धि रूपी सीता को लोभायमान करता है, बहुत अच्छा है संसार, यहाँ के स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अब नहीं जानता ये माया किससे बने हुए मृग हैं। नारद ने माया मृग राजा श्रीनिधि की नगरी और उसकी कन्या देखी, वो माया मृग में नारद जी भी मोहित हो गए, उनमें सद्बुद्धि सुख बुद्धि हो गई कि ये भी कोई सत्य कन्या है। और इतनी सत्यता कि जो यही बड़े अमर से हुई समर भूमि जीते नहीं कोई,
सज्जनो जो इसको वरण कर लेगा ये कन्या मरेगी नहीं, ऐसी ज्योतिष का विचार किया उन्होंने, हाथ में ऐसी रेखा देखी और कहा जो ये मरेगी नहीं इसको जो वरण कर लेगा वो भी नहीं मरेगा, तो ऐसी कन्या तो मेरी योग्य है क्योंकि मरना कोई नहीं चाहता, मैं भी न मरूंगा। माया मृग में मोहित हुए ना, तो दुख ही के सिवाय और क्या सुख मिल सकता है माया मृग में। सीता माया मृग में मोहित हुई, दुख ही पाया। सोने के मृग में भगवान ने कहा थोड़े सोने में क्या होगा, तू जहां सोने की खान है, लंका ही बनी है सोने की, वहां चली जा। अच्छा सोने चाहिए तो मुझ में प्रेम हटा, सोने के मृग में प्रेम हुआ। मेरे प्रेम से तो अपने घर बार छोड़ा, माता पिता राजा जनक और अपनी माँ को और सखी सहेलियों को छोड़ा मेरे लिए, अब तुझको सोने के मृग में प्रेम गया है, मैंने सोने में प्रेम हुआ, सीधा यही अर्थ। ठीक है जहाँ प्रेम है वो मेरा भक्त तो वही पाता है, जो चाहे सो मिलता है। मैं तो कल्प वृक्ष, तुझे सोना चाहिए, थोड़े सोने से क्या होगा, जहाँ चारों तरफ जहाँ निहारेगी वहां सोना ही सोना मिलेगा। उसे जनो भूलना नहीं चाहिए, ये भगवान के वचन प्रमाण है, ये माया से बना है, मम माया संभव संसारा। तो भगवान भी माया मनुष्यम हरिम, भगवान भी अपना शरीर माया से ही धरते हैं, इसलिए उनका भी शरीर सत्य नहीं होता, धारण किए और फिर अंतर्धान हुए, तो ये माया का खेल है। तो संसार स्वप्नम तेज मोह निद्राम, संसार स्वप्न है माने माया की चीज है, माया से ही ये जागृत जगत भी बनता है, इसलिए इस मोह को दूर करना चाहिए। छाया चित्र के समान संसार को देखो, अपने को सत्य पुरुष ज्ञान पुरुष जानो, अपनी ही ये छाया जानो। संसार माया क्या है, एक छाया जैसी झूठी चीज है। छाया तो हमेशा छायाकार से कोई सत्य नहीं करेगा, झूठी ही करेगा। अपने आप पुरुष को ही सत्य देखा जाए, क्योंकि पुरुष तो सदा रहता है, छाया तो सदा नहीं रहती है, इसलिए वो माया है और छाया को ज्ञान नहीं है, पुरुष तो ज्ञान स्वरूप है। इस प्रकार से अपने से भिन्न जो कुछ भी जागृत स्वप्न सुसुप्ति दिन रात जो भी दिखाई पड़ते हैं, इस निश्चय ही माया है और रोज आते जाते हैं। हमारा तुम्हारा स्वरूप ज्यों का त्यों अखंड रहता है, ऐसा दृढ़ निश्चय, यही विश्वास पूर्ण भगवान के वचन में और अपने अनुभव से भी करना चाहिए और हमेशा यही विचारते रहना चाहिए। श्रवण के बाद निधिध्यासन करना चाहिए, मनन निधिध्यासन करना चाहिए, तो ज्ञान पक्का हो जाता है। दृश्य को माया ही जानना और तुम दृष्टा अपने आप को सत्य जानना, क्योंकि तुम दृष्टा सदा रहते हो, दिन रात में नहीं रहता, रात दिन में नहीं रहती, जागृत की माया स्वप्न में नहीं रहती, स्वप्न की माया सुसुप्ति में नहीं रहती, और तुम हमेशा रहते हो, इसलिए तुम सत्य ही हो और माया असत्य है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर मन।